So today we will discuss the chapter inequalities. What is inequalities? It is actually a discussion of comparison of two or more entity. जब भी हम लोग दो या उससे ज़्यादा किसी एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे, उस कंपैरिजन को हम लोग किसके हेल्प से डिस्कस करेंगे? इनइक्वालिटीज. विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटीज वी विल डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर एंटिटी. क्लियर? नाउ सपोज I consider two entity x and y. If I say compare this between two entity, तो इस दो entity के बीच में अगर compare करने के लिए बोलूँगा, if I say to compare, तो दिमाग में क्या क्या आएगा? Either x greater than y, ठीक है? नहीं तो x smaller than y, नहीं तो x is equal to y, ठीक है? ये तीनों ही आ सकता है. प्रैक्टिकली अगर बोलूँ तो ये तीनों ही आ सकता है. सपोज भास्कर ने बोला, तो एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई. कैन आई से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई? ऑफ कोर्स इफ वी डोंट नो अबाउट एक्स एंड वाई. हाँ, ये भी हो सकता है. अगेन अभिषेक ने कहा, क्या एक्स स्मॉलर देन इक्वल वाई हो सकता है? हाँ, हो सकता है. वी डोंट नो नथिंग अबाउट एक्स एंड वाई. ये भी हो सकता है. एंड त्रिदीप ने कहा एक्स नॉट इक्वल वाई. हाँ, ये भी हो सकता है. मैंने कहा x ग्रेटर देन y, x स्मॉलर देन y, x इज इक्वल टू वाई. भास्कर ने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई. अभिषेक ने कहा x स्मॉलर देन इक्वल टू वाई. त्रिदीप ने कहा x नॉट इक्वल टू वाई. यहाँ पर जो सिंबल्स भास्कर, अभिषेक एंड त्रिदीप ने बताया वो यहाँ से ही आ रहा है. एक्चुअली यहाँ से आ रहा है. त्रिदीप ने क्या कहा? x नॉट इक्वल टू वाई. x एंड y इक्वल नहीं है. हाँ, अगर x एंड y इक्वल नहीं है तब क्या क्या हो सकता है? x आधा ग्रेटर हो सकता है, नहीं तो स्मॉलर हो सकता है. ठीक है नहीं? भास्कर ने क्या कहा? x ग्रेटर देन और इक्वल. अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, अकॉर्डिंग टू भास्कर x स्मॉलर देन वाई नहीं है. इन दोनों को मिलाकर भास्कर ने बता दिया. अभिषेक ने क्या कहा? x स्मॉलर देन और इक्वल टू वाई. x ग्रेटर नहीं है. इन दोनों में से कोई एक है. ठीक है? फ्रॉम हियर वी फाइंड सम डेफिनिट सिंबल्स. सर, यस, एक्चुअली आवाज ना बहुत कम आ रहा है. पता नहीं मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है कि उधर नहीं आ रहा. सब में आवाज कम आ रहा है क्या? हेलो हेलो, नहीं, तुम्हारा मोबाइल में ही कम आ रहा है. यू कैन रिजॉइन. ओके सर. क्या मिला? Definite symbols and indefinite symbols. What are the definite symbols? A greater, a smaller, one is equal. ये तीनों क्या है? Definite symbols है. Greater than equal, smaller than equal, not equal. ये है indefinite. Why these are called indefinite? because these symbols means either greater or equal. This smaller than equal symbol means either smaller or equal. Not equal जो symbol है, it means either greater or smaller. Clear? तो यहाँ ये जो सिंबल है यहाँ पर वन सिंबल नहीं है, यहाँ पर टू साइन है, एक ग्रेटर है एक इक्वल है। ये जो साइन है ये वन साइन नहीं है, ये टू साइन है, एक स्मॉलर है एंड इक्वल है। ये जो नॉट इक्वल है ये भी वन साइन नहीं है, यहाँ पर भी दो साइन है। कौन सा साइन है? एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है। क्लियर? नोट कर लो। Done? I hope नोट कर लिया। Now, one thing. Suppose I say A greater than B, smaller than equal to C, is equal to D, smaller than D. अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मेथड चाहिए, जो ट्रिक है, वो अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट। ये क्या है? स्टेटमेंट है। टू कंक्लूजन आर गिवन, एक है डी स्मॉलर देन ईच, नंबर टू B smaller than equal to D. इनइक्वलिटीज में जो प्रीलिम्स में इनइक्वलिटी आता है वहां पर स्मॉलर देन इक्वल पढ़ो ही मत, और स्मॉलर स्मॉलर सिंबल ये जो स्मॉलर है उसको पढ़ो मत, उसको बोलो ही मत। स्मॉलर कंसीडर कर लो, स्मॉलर सिंबल डज नॉट एग्जिस्ट, ये कंसीडर कर लो। जब हम लोग किसी क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग हमेशा ग्रेटर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्रेटर की तरफ से। ये ट्रिक सीख लो। ये क्या है? डी स्मॉलर देन एच है। इफ आई से एच ग्रेटर देन डी, अगर डाउट है क्या? इफ आई से एच ग्रेटर देन डी, ये क्या रॉन्ग हो जाएगा? ये जो कंफ्यूजन है, यहाँ पर गिवन क्या है? डी स्मॉलर देन एच। इफ आई से एच ग्रेटर देन डी, कुछ रॉन्ग होगा क्या? कुछ रॉन्ग होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग जब ये देखेंगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? एज ग्रेटर देन डी। यहाँ पर ये वाला देखो, बी स्मॉलर देन इक्वल टू डी। यहाँ पर जो गिवन है, इफ आई रीड फ्रॉम दिस साइड, बी स्मॉलर देन इक्वल टू डी, पर हम लोग स्मॉलर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा ग्रेटर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डी से स्टार्ट करेंगे। डी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक, एक नाउ एक एरो मेथड। एरो ये क्या है? एक एरो है, ये क्रॉस कर सकते हैं। किस किस को क्रॉस कर सकते हैं? इक्वल को तो क्रॉस करेगा ही, एंड बाकी जो सिंबल होगा जो इसके साथ अलाइन करेगा। एरो का जो पॉइंट है, पॉइंट कैसा है? ऐसा है। बाकी जो दो सिंबल है इसके साथ जो अलाइन करेगा इस एरो ने उसको पास कर सकते हैं, जो अलाइन नहीं करेगा उसको पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, एरो का जो पॉइंट है वो पॉइंट जैसा होगा उस तरफ का अगर सिंबल है तो वो क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो वो क्रॉस नहीं कर सकते। इट मीन्स ग्रेटर अलाइन हो रहा है ना, सेम पैटर्न, ये क्रॉस कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल ये भी क्रॉस कर सकते हैं। इट मीन्स ये तीनों को, ये वाला सिंबल क्रॉस कर सकते हैं। अभी देखो स्मॉलर उल्टा आ गया ना सिंबल, इसके साथ मैच हो रहा है क्या? एरो का पॉइंट के साथ मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। स्मॉलर देन इक्वल ये भी पॉइंट नहीं हो रहा है, तो ये वाला क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है। अभी ये वाला सिंबल किस किस को क्रॉस कर सकते हैं? इक्वल को तो ये हमेशा क्रॉस करेगा ही करेगा, इसको भी क्रॉस कर सकते हैं एंड इसको क्रॉस कर सकते हैं, इन तीनों को क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस किसको नहीं करेगा? जो उल्टा होगा इसको एंड ये वाला। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल सोल्व दिस प्रॉब्लम और सोल्व दिस क्वेश्चन। ए से डी तक जाना होगा, यहाँ पर एरो ड्रॉ कर दो। अभी पहले एच कहाँ है ढूंढो, एच यहाँ पर है। डी कहाँ पर है ढूंढो, डी यहाँ पर है। अभी एक एरो ड्रॉ कर दो। ठीक है। क्या ये वाला एरो इस सिंबल को क्रॉस कर सकते हैं? हाँ। इस सिंबल को क्रॉस कर सकते हैं? हाँ। इस सिंबल को क्रॉस कर सकते हैं? हाँ। ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर। हम लोग एच से स्टार्ट किया ना, इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर, तीनों मिलकर क्या मिलेगा? ग्रेटर। यहां पर ग्रेटर है, हाँ है। नंबर टू, डी से बी, डी से बी तक जाना होगा। डी से बी, ग्रेटर से स्मॉलर तक जाऊंगा। हम लोग कहां से ट्रेवल करेंगे? ग्रेटर से स्मॉलर, डी से बी तक जाएंगे। इक्वल है, क्या क्या है? इक्वल, इक्वल को क्रॉस कर सकते हैं? हाँ क्रॉस कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल को क्रॉस कर सकते हैं? हाँ क्रॉस कर सकते हैं। तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी करेक्ट कौन सा नहीं होगा ये देखते हैं। सपोज 3 ए ग्रेटर देन सामो की पहा से बुझिबा नै बसलो इनइक्वालिटीज पहा है सर। তুমি কি স্টার্টিং অফ আসলা না স্যার? নাই, অলপ ওয়েট করা বুঝি পাই যাবা। ঠিক আছে, গোটে ক্লাসটো করা বুঝি পাই যাবা। ইনইকুয়ালিটিজ বহুত ইজি চ্যাপ্টার হয়, যো পা স্টার্ট করা বুঝি পাবা, কিন্তু বেশি নাই যোৱা তোমাৰ। তুমি রেকর্ডেড পাছত অলপ চাই লবা। ঠিক আছে, হ'ব খালি ক্লাসটো এৰি না যাবা, বুঝি পাই যাবা 100% সিওর। লাস্টত তোমাকে হদিম বুঝি পালা নাই, হ'ব। ए से डी तक जाना होगा। ए से डी, ए कहाँ पर? यहाँ पर। डी कहाँ पर? यहाँ पर। व्हिच इज ग्रेटर? ए इज ग्रेटर। एरो मार्क कर दो ए से डी तक। ये जो एरो है ये उल्टा हो गया इसके साथ, सॉरी ये उल्टा नहीं हुआ, अलाइन हो रहा है, ये क्रॉस हो जाएगा। ये जो सिंबल है अलाइन नहीं हुआ, उल्टा आ गया, ये क्रॉस नहीं हो सकता, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। ठीक। ऑन ऑफ प्लीज, ऑन योर माइक। हाँ सर। ठीक। मुझारी से सर इनइक्वालिटी चैप्टरটোत आमक एनकरा स्टेटमेंट থাকিব আর কিছন কনক্লুজন দেয়া থাকিব। হ্যাঁ বুঝি পাইছা? এই কনক্লুজনটো আমক কোনটো কারেক্ট হইছে আমি কব লাগিব, কোনটো ফলো হইছে কোনটো ফলো নাই হোৱা আমি গম পাব লাগিব। হ্যাঁ। मैं तुम्हारा क्वेश्चन था होता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ए एंड सी का बीच का रिलेशन क्या होगा? ए ग्रेटर होगा या सी से स्मॉलर होगा? ए ग्रेटर होगा। ए ग्रेटर होगा, हाँ ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर है। ठीक है, नो टाइम बसाब लगे एनेक कै थकिले नहब। आम क्वेश्चन दीघलिया कमा बेस क्वेश्चन आहिब पड़े, वी माइट एनकाउंटर सब कमा बेस क्वेश्चन। तो ये वाला जो अभी जो जैसे किया इजीली हो गया ना, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी हो गया, ऐसा नहीं आएगा ना। दैट्स व्हाई वी नीड सम ट्रिक, वी नीड सम शॉर्टकट। शॉर्टकट ऐसा होना चाहिए कि गलत भी ना हो। तो आई यूज द एरो मेथड। ठीक है, आई यूज द एरो मेथड। ये जो एरो है वो ये वाला साइन को क्रॉस कर सकते हैं। ये क्या है? ग्रेटर साइन। मतलब क्यों क्रॉस कर सकते हैं? बिकॉज एरो का जो ये वाला पार्ट है जो ग्रेटर का सिंबल, ग्रेटर सिंबल के साथ अलाइन हो रहा है ना, सेम साइन है, दैट इज व्हाई क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल ये भी सेम ही, जितना जो भी एरो हो वो इक्वल को क्रॉस कर ही सकते हैं, इक्वल को क्रॉस करके जा सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, स्मॉल आर इसके साथ अलाइन नहीं हुआ ना, उल्टा सिंबल आ गया, इसीलिए क्रॉस नहीं हो पाएगा। स्मॉल आर एन इक्वल उल्टा आ गया, क्रॉस नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर एरो को मैं उल्टा ड्रॉ कर दूं तो कौन सा सिंबल को क्रॉस करेगा, ये वाला एक सिंबल एन, ये एन इक्वल, इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये एन ए वाला, ठीक है। नाउ पास्ट स्टेटमेंट हम लोग हमेशा ग्रेटर से पढ़ेंगे, जी स्मॉलर देन एच, वन ऑफ इट इज डी स्मॉलर देन एच ना, वन ऑफ, हाँ ये डी स्मॉलर देन एच है ना, ये तो डी स्मॉलर देन एच है ना, हाँ हाँ ये तो यदि मैं कहूँ एच ग्रेटर देन डी, क्या प्रॉब्लम है? एच ग्रेटर देन डी नहीं नहीं, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटर वन, ग्रेटर से हम लोग एरो स्टार्ट करेंगे, जो स्मॉलर है वहां तक एंड करेंगे ना। अभी स्टेटमेंट में आ जाओ, अभी कहाँ आ जाओ, स्टेटमेंट में आ जाओ, ए से डी तक एरो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अभी जो एरो है वो ये वाला सिंबल क्रॉस कर सकते हैं ऑन ऑफ सर, ये जो एरो है वो इस सिंबल को क्रॉस कर सकते हैं, यस सर, यस क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला सिंबल को कैसे क्रॉस कर सकते हैं, ये भी एटू क्रॉस करबो, क्रॉस कर, हां ठीक है सर, क्रॉस करबो तो আমি आंसरটা পাম মানে দেখ, ঠিক আছে। গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল গ্রেটার গ্রেটার x গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল g গ্রেটার দ্যান f গ্রেটার দ্যান d, তো h আর d এর মধ্যে কি হবে, কোন অফ सर d तो ডাঙৰ হয় h তো সৰু হয় মানে লেটার কত সৰু হয় h তো a b c d e f, नो 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 আমি হেকেটো নাই পঢ়া এখিনি, a b c d e f g h ऐसा नहीं है। यहां पर मैं सपोज x y z जो कुछ भी कंसीडर कर सकता था, दीस आर सम एलिमेंट्स और एंटिटी, a b c d आर सम एलिमेंट्स और एंटिटी, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, f का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, वी जस्ट नो द एच जी से ग्रेटर है या बराबर है, ठीक है। एच एच ग्रेटर होगा ना जी से, जी f से ग्रेटर है, f d से ग्रेटर, तो एच जी से ग्रेटर सिंग टू डी दिले हेतु हो जाबो ना सर, एच एच की होबो ग्रेटर होबो ना डी को, হ'ব নে, হ'ব এটো শুদ্ধ হ'ল নে, हां सर হ'ল। नेक्स्ट d टू b ग्रेटर कोन टू d है ना, b एंड d में से ग्रेटर कौन सा है, d है, बिकॉज़ ग्रेटर साइन किस तरफ है, d तो d की तरफ है ना, तो इस तरफ एरो ड्रा करेंगे d से b तक, ठीक है। इक्वल साइन क्रॉस कर सकते हैं, हां ग्रेटर देन इक्वल क्रॉस कर सकते हैं, हां, तो आंसर क्या आएगा, बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल ही है, तो ये वाला करेक्ट हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, गिव मी हाफ एन आवर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ आई consider three elements x, y, z, तीन एलिमेंट्स कंसिडर किया x, y, z, अगर मैं तीन एलिमेंट को कंसिडर करूंगा, उस उन तीनों को अगर कंपेयर करूंगा, तब वी नीड टू सिंबल्स, वी नीड टू सिंबल्स टू कंपेयर थ्री एलिमेंट्स। Suppose x, y, z. If x greater than y and y greater than z, तब x and z का कंपैरिजन में कौन सा ग्रेटर होगा? अभिषेक? x. x ग्रेटर होगा? It means x greater than y. ठीक है, x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन इक्वल टू z, x एंड z का बीच का रिलेशन क्या होगा कब्यराज? ग्रेटर ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा। सी x y से ग्रेटर है, y z से बड़ा एंड बराबर है, ऑब्वियसली x z से ग्रेटर होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन y इक्वल टू z, तब x एंड z के बीच में क्या आएगा मनीष? ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल नहीं आएगा ना, y ग्रेटर इक्वल आएगा क्या मनीष? सर नहीं आएगा। सी y एंड z बराबर है, y एंड z बराबर है, ठीक है सर। x y से बड़ा होगा तो x क्या z से बड़ा नहीं होगा? होगा। तो यहाँ क्या आएगा सिंबल? ग्रेटर आएगा। हाँ प्रदीप एग्जैक्टली ग्रेटर आएगा। x ग्रेटर इक्वल टू y ग्रेटर इक्वल z, और अब क्या आएगा x एंड z का बीच में? ग्रेटर ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर इक्वल आएगा। ग्रेटर इक्वल से क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल x y ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर है इक्वल है वी डोंट नो, इट्स ग्रेटर इक्वल, एंड y भी ग्रेटर इक्वल है z से, तो क्या आएगा x एंड z का बीच में? ग्रेटर इक्वल। ठीक है उनो, ये नोट कर लो। Kukil, x ग्रेटर इक्वल y इज इक्वल टू z, x एंड z के बीच में क्या आएगा कुकिल? x y से ग्रेटर इक्वल है, y एंड z इक्वल है, तो x एंड z में क्या आएगा बीच में? तपोसी ग्रेटर देन इक्वल, हाँ ग्रेटर देन इक्वल आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू z, यहाँ पर क्या आएगा प्रियाक्षी? प्रियाक्षी ग्रेटर देन इक्वल x एंड y बराबर है, y बड़ा बराबर z से है, तो x भी बड़ा बराबर होगा। ठीक है, x स्मॉलर देन y इज इक्वल टू z, x एंड z के बीच में क्या आएगा विकास? स्मॉलर, हाँ स्मॉलर आएगा, स्मॉलर एंड इक्वल नहीं आएगा, स्मॉलर आएगा। सी x y से स्मॉलर है, y z बराबर है, तो x एंड z के बीच में क्या आएगा? स्मॉलर आएगा। तो निधि ने बताया यहाँ पर क्या आएगा x एंड प्रदीप ने, हाँ रिपीट सी ये वाला ना प्रदीप, x y से स्मॉलर है, x किससे स्मॉलर है? y से स्मॉलर, y एंड z बराबर है, y एंड z इक्वल है, तो क्या x भी z से स्मॉलर ही होगा ना, तो ये स्मॉलर हो गया। x y से स्मॉलर है, z से भी स्मॉलर है, प्रदीप ये क्या होगा? स्मॉलर होगा सर, स्मॉलर होगा। अनन्या ये क्या होगा? x स्मॉलर देन y एंड y इज मोर देन इक्वल टू z। x एंड z का बीच में क्या होगा रिलेशन अनन्या? सर स्मॉलर, हाँ स्मॉलर होगा, निधि स्मॉलर देन इक्वल नहीं होगा। सी x y से स्मॉलर है, y z से स्मॉलर देन इक्वल है। x ऑब्वियसली y से भी स्मॉलर होगा, z से भी स्मॉलर होगा, तो ये क्या आएगा स्मॉलर। सागर x एंड z का बीच में क्या होगा रिलेशन स्मॉलर इक्वल टू, हाँ स्मॉलर इक्वल x स्मॉलर इक्वल y स्मॉलर इक्वल z, तो स्मॉलर देन इक्वल होगा। क्या बताया था, कैन यू प्लीज रिपीट, किसने बताया था, कैन यू प्लीज ऑन योर माइक, कुछ डाउट बताया था वो चला गया मैसेज। हेलो कैन यू प्लीज रीराइट। त्रिवेणी x स्मॉलर देन इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z, तो x एंड z का बीच का रिलेशन क्या होगा त्रिवेणी? स्मॉलर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, ठीक है क्लियर, प्लीज नोट कर लो। Suppose A greater than B, B smaller than C. Can you say anything about A and C? No, we can't say. तो ये क्या हो जाएगा C and D, cannot be determined. उल्टा सिंबल आएगा तो हम लोग कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। Suppose A greater than equal to B, greater than equal to C. तब भी क्या हो जाएगा सी एन डी, ए ग्रेटर देन बी स्मॉलर देन इक्वल टू सी, तब भी क्या हो जाएगा सी एन डी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्मॉलर देन सी, तब भी क्या हो जाएगा सी। उल्टा सिंबल आ गया ना, ये दोनों उल्टा है, ये दोनों भी उल्टा है, ये दोनों भी उल्टा है। जब भी उल्टा सिंबल आता है तब क्या होता है सी एन डी। बट अ केस इज दैट ए एंड सी का बीच का कुछ रिलेशन बन नहीं रहा है, तो क्या क्या हो सकता है? वी डोंट नो एग्जैक्टली, वी डोंट नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। आइदर ए सी से ग्रेटर होगा, नहीं तो ए सी से स्मॉलर होगा, नहीं तो ए सी से इक्वल होगा, है कि नहीं? आइदर ए सी से ग्रेटर होगा, नहीं तो ए सी से स्मॉलर होगा, नहीं तो ए इक्वल सी होगा। यहां से हम लोग दो कंक्लूजन ला सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, ए स्मॉलर देन इक्वल टू सी एंड ये तो ए ग्रेटर देन सी। तो इफ समवन आस्क्स मी अबाउट दिस थिंग्स, ए ग्रेटर देन बी स्मॉलर देन सी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, कैन आई से आइदर ए ग्रेटर देन सी और ए स्मॉलर देन इक्वल टू सी, कैन आई से? एनी डाउट यहाँ पर, किसी का डाउट है क्या? पूछ लो। नो सर, नो, ठीक है। और एक ले लेते हैं एग्जांपल, ए ग्रेटर देन सी ए स्मॉलर देन सी, मतलब और एक कंडीशन है, इफ आई कंबाइन दिस टू क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल सी एंड ये क्या हो जाएगा ए स्मॉलर देन सी, कैन आई से आइदर ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी और ए स्मॉलर देन सी, आइदर ये और ये। ये तो अपने आप ही एक आइडर और केस है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये अपना आप ही ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी है। यहाँ पर तीन सिंबल हिडन है, थ्री सिंबल्स। अगर दो किसी दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा है तो क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर है ग्रेटर भी है, स्मॉलर भी है, इक्वल भी है। अगेन ये वाला देखो, अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है तो ग्रेटर भी है, स्मॉलर भी है, इक्वल भी है, ये बन सकता है। क्लियर नाउ? क्वेश्चन ऐसे आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स पे क्या गिवन होगा? रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का बीच का रिलेशनशिप गिवन होगा। फाइंड इफ कंक्लूजन ऑल्सो फॉलोज और नॉट, जो कंक्लूजन है उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है वो पूछेगा। ओनली फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, आइदर वन और आइदर टू फॉलोज, नाइदर वन और टू फॉलोज एंड बोथ फॉलोज। क्लियर? हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एरो मेथड। पहला वाला स्टेटमेंट देखो, हम लोग हमेशा ग्रेटर से स्टार्ट करेंगे। जे ग्रेटर देन इक्वल टू ए, जे कहां पर है? फर्स्ट फाइंड व्हेयर इज जे, यहां पर जे, ए कहां पर है? यहां पर है। एरो ड्रॉ कर दो। ये वाला एरो इक्वल को क्रॉस कर सकते? हाँ क्रॉस कर सकते। ये वाला एरो ग्रेटर देन इक्वल को क्रॉस कर सकते? हाँ क्रॉस कर सकते। ग्रेटर देन इक्वल एंड इक्वल ये दोनों मिलकर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल मिलकर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है क्या? ग्रेटर देन इक्वल है ना? यस यस, ये वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, x से a तक, x ग्रेटर है तो x से a तक हम लोग जाएंगे। x कहाँ पर है? यहाँ पर। a कहाँ पर है? यहाँ पर। एरो से ड्रॉ कर दो। अभी एरो ड्रॉ करो, बाद में एरो भी नहीं चाहिए, वो इमेजिनरी एरो अपने आप आ जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन में देखेगा तो ऐसा, हाँ एरो ऐसा, हाँ हो जाएगा। क्लियर? ये वाला क्रॉस कर सकते? ये वाला एरो ये इसको क्रॉस कर सकते? हाँ। ये वाला इक्वल को क्रॉस कर सकते? हाँ। ग्रेटर देन इक्वल को क्रॉस कर सकते? हाँ। ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल एंड ग्रेटर, ये तीनों मिलकर क्या होगा? ग्रेटर, ग्रेटर होगा। यहाँ पर ग्रेटर है, हाँ, तो ये बोथ फॉलोज। नाउ प्लीज अभिषेक ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा अभिषेक? यू कैन राइट मैसेज ट्रू फॉल्स। हाँ, पहला वाला करेक्ट, दूसरा वाला वन राइट सेकंड फॉल्स, वन राइट सेकंड फॉल्स। हाँ, ट्रू फॉल्स। एक ए से बी तक हम लोग जाएंगे। ए कहाँ पर है? यहाँ पर। बी कहाँ पर है? यहाँ पर। ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल मिलकर क्या होगा? ग्रेटर होगा, तो पहला वाला करेक्ट। जेड से एम तक, जेड से एम तक जाना होगा। जेड कहाँ पर है? यहाँ पर। एम कहाँ पर है? यहाँ पर। जा सकते हैं क्या? ये वाला सिंबल जा सकते हैं? हाँ। ये वाला सिंबल नहीं जा सकते, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। सिंपल। ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। Both false. Both false. Both false. Both false. Only one. Sagar, please on your mic. Oh no, है ना उल्टा आएगा। ठीक है, समय निकाल के सोल्व करो सागर। अब अब सर, हाँ एरो टू कनेक्ट ड्रॉ करें। जेडर पर डी पिने ने डी पर जेडर पिने? एरो कैसे ड्रा करेंगे? जेड से डी या डी से जेड, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? जेड और डी। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? जेड। जेड, जेड ग्रेटर है, तो हम लोग एरो ग्रेटर जेड से ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर पहले जेड को ढूंढो, यहाँ पर है जेड। डी तक एरो मार्क कर दो। क्लियर जी। एक है ग्रेटर, एक है ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों मिलाकर क्या आएगा? ग्रेटर। ग्रेटर, यहाँ पर ग्रेटर है नहीं है ना, जेड तो ग्रेटर है, हम लोग जेड ग्रेटर है आप ही के लिए स्मॉल ऑर्डन सिंबल भूल जाओ। हम लोग ग्रेटर से स्टार्ट किया था तो ग्रेटर ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर एरो कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स ग्रेटर है या वाई ग्रेटर है? एक्स वाई त्रिवेणी पहला वाला करेक्ट, एक्स ग्रेटर है। स्टार्ट कहां से करेंगे, एक्स से। एक्स कैसे पढ़ोगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाई। हाउ विल रीड दिस, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ग्रेटर किसको बोला, एक्स को बोला ना, तो एक्स से एरो ड्रा करेंगे कहां तक, वाई। एक्स कहां पर है, यहाँ पर। वाई कहां पर है, यहाँ पर। ये वाला सिंबल क्रॉस कर सकते हैं, हाँ ये उल्टा सिंबल आ गया ना, तो ये रॉन्ग हो गया। नहीं तब तो ठीक ही बोला था मैंने, हाँ ठीक ही बोला था, जस्ट डिस्कस किया तुम्हारा साथ, ठीक है। वन टाइप किया सोच के मैं टू टाइप किया सोचा था, मैसेज देखा ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट सीख लो। अभी गलती करो सही करो मैटर नहीं करेगा, एग्जाम में सही होना चाहिए। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ट्रू ट्रू ए एन एस, ए ग्रेटर देन एस। ग्रेटर किसको बोला, ए को बोला, ए से एस को। ए कहां पर, यहां पर है। एस कहां पर है, यहां पर है। ये आइदर और होगा, हाँ आइदर होगा, आइदर होगा, हाँ ये आइदर होगा। ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल अगेन ग्रेटर देन इक्वल। इसका कंक्लूजन क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल, ये इक्वल है। ग्रेटर देन इक्वल मतलब क्या है, आइडर ग्रेटर होगा नहीं तो इक्वल होगा। 1 और 2 ये क्या है, आइडर और। तो अगर एग्जाम में बोथ 1 और 2 फॉलोज मार्क कर दिया तो -1.25 मार्क्स चला जाएगा। ये जो -0.25 मार्क्स है ना, ये मतलब सबको धोखा देने के लिए है। एक्चुअली -1.25 मार्क्स जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन का तो मार्क्स चला जाएगा ना। -1 यहाँ से हो गया, बाकी जो सही हुआ था वो -0.25 मार्क्स वहाँ से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। False true, U से B तक जाना होगा। U से B, U ग्रेटर देन B, तो एरो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, U से स्टार्ट करेंगे। कहाँ खत्म करेंगे, B। तो यहाँ पर U कहाँ पर है, यहाँ पर है। B तक एरो ड्रॉ कर दो। ये वाला सिंबल एरो क्रॉस कर सकते हैं, हाँ क्रॉस कर सकते। ये उल्टा आ गया ना, इसके साथ अलाइन नहीं हो रहा है ये सिंबल, तो खत्म। R से O, R ग्रेटर से O, R, R यहाँ पर है, O यहाँ पर है। ये 0 नहीं, O होना चाहिए, हाँ। ये वाला क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। ये भी क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। ये वाला, हाँ क्रॉस कर सकते हैं। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या आएगा, क्या आएगा, ग्रेटर आएगा ना। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है, ये भी सही, ग्रेटर ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 6। फॉल्स ट्रू, U से D तक जाएंगे क्या, नहीं, D से U तक। D ग्रेटर देन U, तो D से U तक। D यहाँ पर है, U यहाँ पर है। ये पहला सिंबल उल्टा मिल गया, काट दो। ये वाला खत्म। U से D तक जाएंगे, U यहाँ पर, D यहाँ पर। U ग्रेटर देन D ना, U से D तक जाएंगे। क्या क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर, ये दोनों मिलकर क्या आएगा आंसर? ग्रेटर आएगा। तो 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन नोट मत करो, राफली नोट करो। ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ए से एस तक जाना होगा, ए से एस तक, ठीक है। इक्वल साइन क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। ग्रेटर देन इक्वल, हाँ अलाइन हो रहा है, ये भी क्रॉस कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल, हाँ अलाइन हो, क्रॉस कर लेंगे। इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, हाँ है, सही हो जाएगा। दूसरा यू से टी तक, ठीक। यहाँ पर देखो यू को बड़ा बना दिया, हाँ। इन दिस कंक्लूजन टू यू ग्रेटर देन टी, ये स्टेटमेंट देखो, यू किसी से बड़ा हो सकता है क्या? यू ए से छोटा है, यू इज स्मॉलर देन ए, स्मॉलर देन और इक्वल टू ए, यू किसी से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये डायरेक्ट काट दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू ट्रू पियाक्सी बोरा। क्यू से के तक, क्यू से के तक जाएंगे, क्यू से के क्या क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर, ये दोनों मिलकर क्या आएगा? ग्रेटर आएगा, ट्रू। एस से बी तक जाएंगे, अभी एस से बी तक, एस कहाँ पर है? यहाँ पर। बी कहाँ पर है? ये यहाँ पर। इफ यू फाइंड एनी डाउट प्लीज आस्क। एस से बी तक, इक्वल ग्रेटर इक्वल, ये दोनों मिलकर क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल। यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है, हाँ है। बोथ ट्रू। सी, यहाँ ये भी स्कोरिंग है क्लार्क में, यहाँ से भी 3 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा। इट मीन्स 3 से 5 मार्क्स, यू कैन स्कोर 3 to 5 मार्क्स इजिली फ्रॉम हियर। ट्रू फॉल्स, बोथ। ए से बी तक जाएंगे, ए से बी, ए यहां पर, बी यहां पर, ए कहां पर? ए यहां पर, बी यहां पर। ये वाला क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। ये वाला, हाँ। इक्वल क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या आएगा आंसर? ग्रेटर। यहाँ पर ग्रेटर है, हाँ है। हाँ, एस से एच तक जाएंगे, एस से एच तक, ये वाला क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। ये, हाँ, ये उल्टा सिंबल मिल गया, काट दो, इसको भी काट दो। क्वेश्चन नंबर 10, नान। फॉल्स फॉल्स, ठीक। समझ में किसको नहीं आ रहा है? Who is facing difficulties while solving this? Please speak. सब सही जा रहे? False, 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 false. See, some. If you find difficulties while understanding this, please ask me. I will clarify. ये स्कोरिंग है, यहाँ मतलब गलती नहीं होना चाहिए। गलती होगा तो यू आर आउट, क्योंकि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में गलत हो भी सकता है। तो अगर यहाँ भी गलत करोगे, वहाँ भी गलत करोगे, तब तो नहीं होगा ना। सी से ए तक, हाँ 11 का भी आंसर आ गया। सी से ए तक, सी यहाँ पर, ए यहाँ पर, ये तो डायरेक्ट उल्टा सिंबल आ गया, काट दो ना। क्यू से एस तक, क्यू यहाँ पर, एस यहाँ पर, Q से S तक जाना होगा ना। U यहाँ पर, S यहाँ पर, ये क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। ये उल्टा सिंबल मिल गया, इसको भी काट दो। 11, आइदर और। T से C तक, T यहाँ पर, C यहाँ पर, T से C, T से C। इक्वल को क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, ये भी इक्वल इक्वल। तो क्या क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, क्या क्या मिला? पहले इक्वल मिला, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, सब मिलाकर ग्रेटर देन इक्वल। इट मीन्स स्टार्ट कहाँ से किया था, P से। इट मीन्स आइडर P ग्रेटर देन इक्वल टू C, इट मीन्स आइडर P ग्रेटर देन C और P इज इक्वल टू C। तो ये क्या हो गया आइडर और, ठीक है। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पहला वाला ट्रू, सेकेंड दोनों ट्रू। W से H तक जाना होगा, W यहाँ पर H यहाँ पर, W से H तक जाना होगा। ग्रेटर देन इक्वल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ये ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, ये तीनों मिलकर ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या होगा ग्रेटर होगा। ये W ग्रेटर है, हाँ है। G से H तक, G यहाँ पर है, H यहाँ पर है। G से H तक, G यहाँ पर है, H यहाँ पर है। पहला वाला ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर, ये तीनों मिलकर क्या होगा ग्रेटर होगा। यह ग्रेटर है, हाँ है। उसमें 13 First true, second false। D से Q तक जाना होगा, D यहाँ पर है, Q यहाँ पर। समझ में किसको नहीं आ रहा है? Who is finding difficulties? D से Q तक जाना होगा, D से कहाँ तक जाएंगे Q तक, D से Q तक। D इज ग्रेटर, D से Q। ये क्रॉस कर सकते हैं इक्वल, हाँ। ग्रेटर को क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। ग्रेटर इक्वल, हाँ। यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल, मतलब जो साइन इस जैसा है, एरो का जो पॉइंट है उस जैसा है, वो तो आराम से क्रॉस कर लेंगे। तो इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, आंसर क्या मिलेगा, एक ग्रेटर है तो क्या ग्रेटर, तो D ग्रेटर देन Q है क्या, हाँ है। A से C तक जाना होगा, A से C तक, A यहाँ पर है, C यहाँ पर है। एरो ड्रॉ कर दो, यहाँ उल्टा सिंबल मिल गया, काट दो। ये 14 का आंसर फॉल्स फॉल्स। B से S तक जाना होगा, नहीं S से B तक जाना होगा, S से B तक। S यहाँ पर है, B यहाँ पर है, S से B तक। जब S से B तक जाओगे, यहीं उल्टा सिंबल मिल गया, ये काट दो। नाउ F से E तक जाना होगा, F से E तक जाना होगा, उल्टा सिंबल मिल गया, ये भी काट दो। क्या F इज इक्वल टू B है क्या, नहीं है। B इज इक्वल टू E है क्या, नहीं है सर। हाँ हेलो सर, एक बार आइदर और नाइदर नोर का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। नाइदर नोर, नाइदर नोर का मतलब क्या है, कोई भी नहीं, यही है नाइदर नोर, तो यही है सर। आइदर और, आइदर और, हाँ आइदर और। सपोज H एंड W इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है, CND आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, आइडर H ग्रेटर देन W और H इज इक्वल टू W और H लेस देन W, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर यही केस हो सकता है ना, ये तीनों ही केस हो सकता है। और हो सकता है क्या अनु, नो ये दोनों को मिलाकर क्या मैं H ग्रेटर देन इक्वल W लिख सकता हूँ, यस सर। एंड H स्मॉलर देन W लिख सकता हूँ, यस। तो तो whenever we don't find any relation between any two entities, क्या हम लोग आइडर ये हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है बोल सकते हो? Okay, जी सर। तो ये क्या हो जाएगा आइडर। Okay, और एक केस, देयर आर टोटल 3 केसेस फॉर आइडर। और एक केस, सपोज मैंने ये दोनों को मिला दिया A smaller than W, smaller than or equal to W, and H greater than W. Whenever we don't find any relation between any two quantities, क्या हम लोग इन दोनों में से कोई एक होगा कह सकते हैं? Yes, sir. Yes. तो ये भी एक आइडर होगा। It means whenever we don't find any relation between any two quantities, तो हम लोग को ये जो 3 सिंबल है तीनों सिंबल चाहिए। यहाँ पर तीनों सिंबल है, इन दोनों कंफ्यूजन को अगर मैं मिला दूं तो ये तीनों सिंबल मिल जाएगा, मिलेगा, यहाँ से ग्रेटर मिलेगा, यहाँ से स्मॉलर देन इक्वल मिलेगा, ठीक है। सपोज अभी रिलेशन मिल रहा है, अभी जो 2 कंडीशन हम लोग ने डिस्कस किया वो किसका था, रिलेशन नहीं मिल रहा था। सपोज अभी रिलेशन मिल रहा है, क्या मिलेगा, कंक्लूजन ये मिला कि H greater than or equal to W, but in the options it is given that H greater than W and H is equal to W. H greater than or equal to मतलब क्या है, either H greater than W or H is equal to W, है कि नहीं? Yes sir. तो इन दोनों का either और यही हो गया ना? Yeah. ठीक है, क्लियर? Yes sir. Question number 15. True. N से G तक जाना होगा, N से G, N यहाँ पर है, G यहाँ पर है, N से G तक क्या क्या मिला, इक्वल मिला, ग्रेटर देन इक्वल, एक ग्रेटर मिला, एक ग्रेटर देन इक्वल, क्या आएगा, एक ग्रेटर मिल गया ना, एक ग्रेटर आ जाएगा, ये ग्रेटर है, हाँ, N ग्रेटर देन G. Now I greater than equal to L, I greater than equal to L, I से L तक, I से L तक जाना होगा। पहला वाला greater than equal, उसके बाद equal, उसके बाद greater than equal, उसके बाद greater, सारा सिंबल क्रॉस कर सकते हैं, हाँ क्रॉस कर सकते हैं आराम से। ये ग्रेटर मिल गया, ग्रेटर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन इक्वल है, इसको काट दो। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट राइट सेकेंड रॉन्ग। एल से पी तक जाना होगा, एल यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, हाँ ये सिंबल क्रॉस कर सकते हैं, हाँ ये भी क्रॉस कर सकते हैं, ये भी क्रॉस कर सकते हैं। क्या क्या मिला, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर, इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल एंड ग्रेटर मिलकर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है, पहला वाला ट्रू। ओ से आर तक जाना होगा, ओ से जब आर तक जाओगे यही उल्टा सिंबल मिल गया, इसको भी काट दो। क्वेश्चन नंबर 17। फॉल्स ट्रू। सबका फॉल्स ट्रू आ रहा है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। बी से ई तक जाना होगा, बी से ई तक, ये क्रॉस कर सकते हैं, हाँ ये वाला क्रॉस कर सकते हैं, हाँ ये उल्टा सिंबल आ गया, खत्म। सी से ई तक नहीं जा पाओगे। सी से डी तक, सी यहाँ पर डी यहाँ पर, ये वाला जा सकते हैं हाँ, इसको क्रॉस कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं हाँ। इक्वल सिंबल क्या क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर एन इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या आ जाएगा, ग्रेटर आएगा। यहाँ पर क्या है, सी ग्रेटर देन डी, ये भी सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉल्स ट्रू। ए से सी तक जाना होगा, ए से सी तक जाना होगा, ए से सी तक। इक्वल मिल रहा है, फॉल्स ट्रू किसने बताया था, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू किसने बताया था, प्लीज ऑन योर माइक, फॉल्स ट्रू किसने बताया था, प्लीज ऑन योर माइक। सर कॉग ये फॉल्स ट्रू होगा क्या सर, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मतलब कि आइडर होबो ने তেতিয়া न होबो, न होबो। वाह, ए से सी तक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा है ना हाँ। तो ए से सी तक एरो ड्रॉ कर लिया, इक्वल साइन क्रॉस कर सकते हैं हाँ। ये ग्रेटर देन इक्वल साइन क्रॉस कर सकते हैं हाँ। ये एक साइन क्रॉस कर सकते हैं हाँ। तो क्या क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये तीनों मिलकर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर देन सी, तो ये वाला फॉल्स हो गया हाँ, ये वाला फॉल्स है। नेक्स्ट ये भी चेक कर लो, ए इक्वल टू सी गिवन है ना, बट हमें कंफ्यूजन क्या मिला था, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। क्या हम लोग आइदर ए ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी के कह सकते हैं हाँ, जी सर हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, आइडर ऑफ केस होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट वाला ए ग्रेटर देन सी, सेकंड ए इक्वल टू सी। तो आइडर ऑफ सी, जब भी एक इक्वल एंड ग्रेटर या स्मॉलर मिल गया ना, तो एक बार थोड़ा रुक जाओ, आइडर ऑफ केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चेक कर लो। सी तीन सिंबल अगर मिला तब भी चेक कर लो, एलिमेंट सेम जब भी होगा तब चेक कर लो, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स अगर सेम है तो चेक कर लो एक बार, ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 19, so false true, false true, either or, either or, either, either or। Manish on your mic, Manish। yes sir, ये either or कैसे हो सकता है ब्रो, यहाँ पर तीन सिंबल है क्या, सी टू ए सर लेस देन इक्वल, नहीं ये वाला नहीं, 18 वाला नहीं, ओ ओ ओ 19 वाला, ओ सॉरी 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 सर, फाइन ओके फाइन, 18 कर रहा था सॉरी सॉरी, 19 वाला फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी आ रहा है, फॉल्स फॉल्स भी आ रहा है। एफ से के तक जाना पड़ेगा, एफ से के तक, इसको क्रॉस कर सकते हैं हाँ, इक्वल को क्रॉस कर सकते हैं हाँ, इसको भी क्रॉस, ये उल्टा सिंबल आ गया, पहला वाला तो फॉल्स हो गया। नाउ के से एन तक जाना पड़ेगा, के से एन तक, उल्टा सिंबल यही मिल गया, नहीं सॉरी यही मिल गया उल्टा सिंबल, ये क्रॉस कर सकते हैं हाँ, ये उल्टा सिंबल मिल गया, इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ये फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 हाँ, ये विजिबल नहीं था सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20, ये सेकंड ऑप्शन देखिए ना, ये क्या है हाँ, ये क्या हो गया, इसको इसको ग्रेटर देन इक्वल बना दो, ये ग्रेटर देन इक्वल ही, इसको ये ग्रेटर देन इक्वल ही मत बनाओ, रुक जाओ। हाँ जय घटाने के लिए बना दो। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यस ट्रू फॉल्स। एफ से आई तक जाना पड़ेगा, एफ से आई। इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। इक्वल, ग्रेटर एन इक्वल, ई और ये तीनों मिलकर क्या बनेगा ग्रेटर। यहाँ पर ग्रेटर है, हाँ जे ग्रेटर एन इक्वल टू टी, ई जे से ई तक। इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको भी, हाँ इसको ना। तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। False to true. False. First to second wrong. Fast false true भी मिल रहा है, true false भी मिल रहा है। किसी के false true, false true। M से ये कॉमा बेस है ना। So false true. ठीक, कॉमा बेस है, इट मीन्स ये यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। कॉमा बेस क्वेश्चन, यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट है। एम से आर तक जाना होगा पहले, ये तो एम से आर तक जाना होगा, एम से आर तक। एम कहाँ पर है, यहाँ पर। आर कहाँ पर है, यहाँ पर। कॉमन ढूंढो, फाइंड द कॉमन वन, क्यू। मतलब एम से क्यू तक जाना होगा, क्यू से आर तक। एम से क्यू तक नहीं जा पाओगे तो पहला वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। P से M तक जाना होगा, P यहाँ पर है, M यहाँ पर है। कॉमन कौन सा है, Q है, Q इज कॉमन। तो P से Q तक जाओ, Q से M तक। इसको क्रॉस कर सकते हैं, हाँ इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, हाँ। क्या क्या मिला, ग्रेटर एंड ग्रेटर, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा ग्रेटर। यहाँ पर कौन सा साइन है, P ग्रेटर एंड M। तो सेकेंड इज करेक्ट। टाइम हो गया, तुम लोग अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके फाइन, अभी मैं शेयर कर दूँगा, कल हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।